अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम निकले हैं, आज हमारा फर्स्ट डे है शिकागो में। तो आज हम निकले हैं थोड़ा सा घूमने के लिए और आसपास कुछ चीज़ें देखने के लिए। आपसे भी शेयर किया जाएगा और मैं रिकॉर्ड करूँगी। आई ट्राई एंड फिल्म वॉट एवर आई कैन, और जो मैं ये ब्यूटीफुल सिटी आपको दिखा पाऊँ, तो इंशाल्लाह लेट्स सी। जैसे कि सना ने बताया कि हम लोग निकले हुए हैं शिकागो को देखने के लिए, और अभी बताया जो लेकर आए हैं कि ये जब बिल्कुल ठंड विंटर हो जाता है तो शायद कल बर्फ़ गिरेगी ऐसा कह रहे हैं, तो ये बिल्कुल बन जाता है बर्फ़ की तरह। अल्लाह ही खैर हो, ऐसे ही बहुत ठंड है। आपको लग रही है ठंड? ठंड तो बहुत ज़्यादा है, अभी यहाँ होगी 3 से 4 डिग्री, लेकिन वो हमारे लिए भी ज़्यादा ही है। तो बहरहाल फिर भी लोग चल रहे हैं, जो यहाँ रहते हैं उनके लिए तो मसला ही नहीं है। हाँ, हाँ जी, तो यहाँ पे एक्चुअली एक एक्वेरियम भी है और यहाँ पे एक प्लानिटेरियम भी है, और यहाँ पे जनरली लोग आते हैं। मुझे तो बात करने भी नहीं हो रहा है बिकॉज इतनी ज़्यादा सर्दी है। ये जो लेक है ये इनफैक्ट जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो एकदम फ्रोजन हो जाता है, बर्फ़ हो जाता है, जैसे कि आप देख रहे हो कि अभी मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तो यस, और मुझसे ज़्यादा भी ठंड अनस को लगती है। आई एम श्योर कि बेचारे खड़े भी नहीं हो पा रहे। एक्चुअली हमारा एक ही दिन हुआ है ना अभी आकर, हम थोड़े से एडजस्ट नहीं हो पाए इस ठंडी से। सो आई थिंक विद टाइम हो जाएंगे, बट जस्ट लुक हाउ प्रिटी इज दिस। बहुत सीनिक है। हाउ प्रिटी इज दिस, लगता है आज किसी के लिए कुछ स्पेशल प्लान हो रहा है। तो ये तैयारियां हो रही है, हाउ क्यूट। बहरहाल बहुत ठंड है, मेरे को तो बहुत ज़्यादा ही लगती है, लेकिन खैर है, जाते हैं। आप उधर से आओ, उधर से आओ। तो जैसे कि आप देख रहे हो मैं चढ़ते हुए जा रही हूँ, चलते हुए। बाप रे, मेरे हाथ पैर सब कांप रहे हैं वाकई ठंड बहुत ठंड है। से। बहरहाल अच्छा लग रहा है, माशाल्लाह तबारक अल्लाह, संभाल के अल्लाह की नेमतों को देखने को मिल रहा है, अल्लाह की संभाल बनाई के। हुई दुनिया को जो नज़ारा है। ख़ास तौर से ये पानी देखो कि ठंड में भी ये अपनी रफ्तार से जा रहा है। आपको बात करने भी नहीं हो मैं रही। आया था नीचे इतना ऊपर से कि मैं हाथ लगाऊंगा, लेकिन यहाँ से तो बहुत वो है, खुदा ना करे पैर नहीं ऊपर नहीं नीचे हुआ तो सीधे बिल्कुल नीचे ही जाएंगे, और बिल्कुल नहीं। ठंड चलो है। चलो। अल्लाह ही खैर हो। बहरहाल अच्छा है, वो सामने देखो, वो हम गुजराती में कहते हैं ना चकडोल, बोलते थे इसको गुजराती में, हाँ नज़र आ रहा है। जी, आ रहा है। हाँ, फिर दोबारा हम आ गए कार में ही। बहरहाल ये है शिकागो, देखते हैं आज कितना देख पाते हैं आज के दिन में। क्या कह रहे हो सना? बहुत आईने बहुत ठंड लगती है। हम ये समझते हैं हमारे बम्बई और यही होता है, लेकिन यहाँ का ट्रैफिक बिल्कुल वैसा ही है। हाँ, कल बर्फ़ होने वाली है, उसका ये है थोड़ा सा नज़र आ रहा है कि हाँ होगी शायद। ये हमारे भाई साद हैं जो असर पड़ने जा रहे हैं अपने घर वालों के साथ, तो इन्होंने फ़ौरन गाड़ी रोकी, बोले यहाँ रुकते हैं और असर हमारी बाकी है, कज़ा होने की तैयारी है तो हम असर अदा कर ले। मेरा बड़ा दिल खुश हुआ कि माशाल्लाह अल्लाह ताला हमें भी ये तौफीक दे कि हम नमाज़ों का टाइम पर अहतमाम के साथ अदा करें, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जी। हाँ, ये सना खा रहे हैं जो कि आपको नज़र आ रहा होगा। क्या खा रहे हो जी? ये सना चिप्स खाए है जा, जो पॉपकॉर्न की है, बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी। ये हमें इंडिया लेके जाना है। ओके, ठीक है। क्या क्या लोगे इंडिया? मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेने वाली हूँ जो मैं हम घर में खा सकी, बिकॉज बहुत अलग अलग टाइप की यहाँ पे चिप्स आती है, बिस्किट्स आती है। तो या ये शॉपिंग होने वाली है, प्लीज़ आप अल्लाह ही रेडी रहें। खैर हो। मैं हमारे हजरत अभी वाला सोए सो हैं, रहे हैं, सो रहे हैं, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। सो अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे हम तो अपने घर से पढ़ के निकले थे नमाज असर की, और जो हमें घुमा रहे हैं यहाँ पे महजबीन बाजी और उनके प्यारे बेटे, वो हमें बाहर लेकर यहाँ पे थोड़ा शिकागो की जो सैर करा रहे हैं, तो वो भी फ़ौरन यहाँ पे गाड़ी रुका के अंदर नमाज़ पढ़ने गए ताकि कज़ा ना हो। एंड ये बहुत अच्छी चीज़ है, इम्प्रेसिंग चीज़ है कि इनकी नमाज़ कज़ा नहीं हो। तो स्पेशली क्योंकि हमारा आज फर्स्ट डे है यूएसए में, शिकागो में, और जब आपको ऐसी चीज़ें देखने मिलती है तो एक अलग तरीके का इंस्पिरेशन मिलता है। अल्लाह ऐसी ही चीज़ें हमारे अंदर भी डाले, और नमाज का लेट होना और उसके लिए फ़िक्रमंद होना हम सब के अंदर होना चाहिए। तो अल्लाह बस हमारे अंदर भी ये डाल दे। सना ने बताया कि नमाज के लिए तो
रिवायत में आता है कि एक आदमी नमाज जो है ना कज़ा करके भी पढ़ेगा तो 550 साल उसे जहन्नम में अज़ाब दिया जाएगा, यानी कज़ा होने के बाद भी अदा करे तो अल्लाह ताला हमें वक्त पर पाबंदी के साथ नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे, ख़ास तौर से कि मस्जिद के अहतमाम के साथ हो, जमात के साथ हो, लेकिन सफ़र में हो तो यानी ख़ास तौर से इसका ख्याल किया जाए कि कज़ा ना हो, फ़ौरन अदा कर ले। तो देखो ऐसे मुल्कों के अंदर भी ऐसे अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह ताला हमें भी पाबंद नमाज का पाबंद बनाया, नमाज की पाबंदी दे और हम अल्लाह से अल्लाह को नमाज के ज़रिए मनाने वाले बने और नमाज से हमारे मसाइल हल कराने वाले बने, तो फिर देखो ज़िंदगी गुजारने में कैसा मज़ा आता है। तो ये जो आप फाउंटेन देख रहे हो, ये इतना बड़ा है बट ऑब्वियसली चल नहीं रहा है, तो ये कहते हैं समर्स में चलता है। आई थिंक ठंडी में चलता तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है कि पानी भी बर्फ़ हो जाता। ये यहाँ का बहुत पॉपुलर लैंडमार्क है और बहुत लोग यहाँ पे आते हैं, और जब गर्मी होती है, समर्स होते हैं, तो यहाँ पे माशाल्लाह से कहते हैं बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर गार्डन है यहाँ पे। अब शायद वो नहीं होंगे बिकॉज ठंडी में मौसम वैसा है नहीं, तो नहीं लग रही है आपको? अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। आई एम श्योर जब यहाँ पे समर होता होगा तो ये सारे फूल बहुत खिले हुए होते होंगे, एंड मज़ा भी आता होगा यहाँ बैठने, बिकॉज इतना खुला है और सामने का व्यू इतना अच्छा है। आप वो व्यू दिखाए, इतना ब्यूटीफुल है। तो जब धूप होती होगी तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता होगा यहाँ पे। आई एम श्योर सामने पानी। इंशाल्लाह मैं आप अल्लाह ने चाहा तो हम समर में भी आएंगे, आपको इंशाल्लाह लेकर आऊँगा मैं इंशाल्लाह। समर में भी। चलो ठंड तो देख लिया, समर में भी आएंगे। ये जो होटल आपको नज़र आ रही है तो हमारे यहाँ साथी कह रहे थे कि इसमें बहुत ज़्यादा जिनों की जमात रहती है, तो मुझे किसी और ने भी कहा कि मैंने कहीं देखा था यानी इंटरनेट के ऊपर कि ये डोर्स बंद भी हैं यहाँ कि यहाँ कुछ फ्लोर बंद है। यहाँ मैंने पे कहा अल्लाह ज्यादा खैर चलाते हो, हैं। ये जिन्ना तो को हमारे यहाँ भेज दो इंडिया में। प्लीज, ऑलरेडी बहुत है। थोड़े हाँ जी बहुत तो यहाँ रहने चले, दो। अल्लाह ताला इन्हें शर फैलाने से बचाए, खैर का ज़रिया बनाए, और यहाँ जो भी हो अल्लाह ताला खैर का ज़रिया बनाए। हम तो यही कहते हैं कि दुनिया में खैर फैलानी चाहिए, मोहब्बत फैलानी चाहिए और खैर का ज़रिया बनना चाहिए, ना कि शर का ज़रिया बनना चाहिए किसी भी तरह का हो। ये सिर्फ हमारे इंडिया में नहीं, यहाँ भी होता है। देखो कि हमारे यहाँ जूहू चौपाटी पर और सारी जगह पे, हमारे घर के करीब बैक रोड पे, यहाँ भी होता है भाई, शिकागो में भी होता है ये सारा। तो ये जो है शिकागो की सबसे ओल्डेस्ट बिल्डिंग है ये वाली, और जो ये आप देख रहे हो ना बीच में छोटी वाली, ये 150 साल पुरानी है। बिकॉज कहते हैं कि यहाँ पे शिकागो में फायर हुआ था और सब कुछ जल गया था, शिकागो ख़त्म हो चुका था, एंड बस यही दो बिल्डिंग्स है जो रह गई थी, वो है ये और वो। सो इसीलिए ये सब लोग आते हैं और देखते भी है, बिकॉज इट्स अमेजिंग। एंड इसके बाद से ही शिकागो जब वापस से फॉर्म हुआ तो बहुत चीज़ें यहाँ पे इसलिए बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज है कम्पेयर टू एनी अदर सिटीज़। सो या अमेजिंग ना, बिकॉज ये सीजन टाइम है, छुट्टी का टाइम है, तो आप देख रहे हो कि डेकोर कितना अच्छा है और कितना अच्छा वाइब है। सो हम यहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे बहुत लाइन लगी हुई थी लेकिन बहुत फास्ट मूविंग भी था, तो हम यहाँ पे ऊपर आ गए हैं। लेट्स सी, क्या आप आइसक्रीम खाना पसंद करेंगे? सो क्यूट। ये शाम 5 बज गए हैं लेकिन बिल्कुल रात हो चुकी है, और साथ ही बता रहे हैं कि कल बर्फ़ गिरने के भी इम्कान है स्नो होने के, इंशाल्लाह चले देखने को मिलेगा। ये हमारे इंडिया की तरह रेलवे ब्रिज है जो ऊपर ट्रेन, लोकल ट्रेन चल रही होती है यहाँ की, मेट्रो। 1900 की है ये ना, अच्छा बहुत पुरानी है, यानी 120 साल हो गए। तो अब सुबह के 7 बज रहे हैं, हम 5 बजे से उठ गए हैं और अब हम ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। 7 बजे यहाँ पे ब्रेकफास्ट शुरू हो जाता है,
एंड जैसे कि आप देख रहे हो कोई नहीं है, एक ही भाई है। एंड इसके बाद हम तीन वहां जाएंगे। हमारे दारुजमील साहब बिल्कुल नहीं सोते, ना हमें सोने देते हैं। एंड आज से बिजी डे है थोड़ा, बिकॉज आज से छोटे छोटे यहाँ पे पॉपअप्स है जो इवेंट्स कर रहे हैं, पॉपअप्स अरेंज किए हैं, वहाँ जाना है। तो आज फर्स्ट इवेंट है एंड मुझे पिंपल भी निकल गया है, यू नो वक्त पे निकलता है, मुझे होल्ड करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे सिर्फ सीढ़ी है। तो ये है हमारा ब्रेकफास्ट सेटअप यहाँ पे, जो ज़्यादातर ब्रेड्स, पैनकेक्स, वॉफल्स, सीरियल्स एंड यहाँ पे भी स्क्रैम्बल्ड एग एंड यू नो बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। दिस इज़ कॉफ़ी मशीन एंड यू कैन सी बहुत सारे ऑप्शंस फॉर सीरियल्स, ड्रिंक्स, कॉफ़ी। यस तारिक जमील साहब, आपको थोड़ा सा तारिक जमील दिखाती हूँ मैं। सो ये मेरा एग वाइट ऑमलेट है, जिसके अंदर है स्पिनच, मशरूम, थोड़ा सा अनियन, थोड़ा सा चीज एंड ओनली वाइट्स। एंड ये है अनस का सनी साइड अप, दो हाफ फ्राई जिसे हम देसी लैंग्वेज में कहते हैं। अनस ब्रेड्स को टोस्ट कर रहे हैं, बाकी का ये काम कर रहे थे जब तक मैं ये सारी चीजें सॉर्ट करूँ। एंड यस इट्स सो ब्यूटीफुल, सुबह उठना कितना अच्छा होता है ना, लाइक कितना ब्यूटीफुल होता है। जी जी जी, बटर और केचप भी ले लिए, ले लेना स्ट्रॉबेरी जैम भी, सॉल्ट एंड पेपर भी। ओके खा लिया है अपना एंड अनस वॉक कर रहे हैं और बेबी को पकड़ के घूम रहे हैं, क्योंकि बैठने के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है, तो वो भी फोन पे है और कर रहे हैं। I'm gonna have a black coffee. देखो ब्लैक कॉफ़ी तो बहुत ज़रूरी है और वो पीना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज़ मेरा तो कुछ भी दिमाग नहीं चलता ब्लैक कॉफ़ी के बिना। योर टेस्ट ठंडी में गरम गरम ब्लैक कॉफ़ी हाथ को बस, और ये लाइटिंग और अंधेरा, अभी लाइट लाइट सनलाइट हुई है, इशराक का वक्त शुरू हो गया है इनफैक्ट। तो बस अब कॉफ़ी पियेंगे, थोड़ा सा काम करेंगे एंड देन आई एम गोना गो अप एंड प्रे एंड देन रिलैक्स एंड आई डोंट नो क्या क्या करूँगी, मुझे खुद को नहीं पता है। अब हम हमारे रूम में आ गए हैं एंड माशाल्लाह से स्नोफॉल शुरू हो गया है। एंड कैन यू सी दिस हाउ प्रिटी, ये एक्चुअली रियल में बहुत ज़्यादा दिख रहा है बट फोन में इतना कैप्चर नहीं हो रहा है, बट आई एम श्योर दिख रहा है। या जस्ट सी हाउ प्रिटी, आज इंशाल्लाह लगता है यहाँ पे स्नो शायद भरेगा थोड़ा बहुत, वाइट तो होने वाला है। But looks very very pretty. Just look at it.